मंगलम दुर्गे भवानी मंगलम जगदम्बिके मंगलम दुर्गे शिवानी मंगलम दुर्गे शिवानी मंगलम मंगलालय मंगलम दुर्गे भवानी मंगलम जगदम्बिके मंगलम दुर्गे भवानी मंगलम जगदम्बिके जय हो मंगलम दुर्गे भवानी मंगलम जगदम्बिके मंगलम देवी शिवानी मंगलम शंभो कथारम्या नाना ख्यान समन्विता नानावतार संयुक्ता भुक्ति मुक्ति प्रदानृणा हे प्रभु हमने देवी आदि शक्ति के सती और पार्वती के अवतार सुने हैं और अवतार कथाएं सुनने की इच्छा है तो भगवान कहने लगे ब्रह्मा जी नारद जी से सूत जी सोनकादि ऋषियों से और शिव जी पार्वती जी से कहने लगे स्वारोचिस मनवंतर में वीरथ नाम का एक राज्य हुआ था उसका पुत्र सूरत था। एक बार शत्रुओं ने उसकी कोला नामक राजधानी को घेर करके आक्रमण किया और राजा सूरत पराजित हुआ। उसके मंत्री सेनापति विरोधी हो गए। कहते हैं ना सुख में सब साथी दुख में न कोई। जब राजा थे तो सारे मंत्री संतरी सारे के सारे उनके आगे पीछे घूमते थे लेकिन जैसे ही शत्रुओं ने उसे पराजित किया सब उसके विरोधी हो गए। और तब निराश राजा मेधातिथि ऋषि के आश्रम पर पहुंचे और इसी प्रकार एक समाधि नाम का वैश्य था जिससे चूंकि अब उम्र हो गई थी उसकी और उसके पुत्रों ने उसे त्याग दिया था वो भी मेघातिथि नामक ऋषि के आश्रम पर आए। राजा सूरत और वैश्य दोनों ऋषिवर से कहने लगे कि हमारे अपनों ने हमें त्यागा है किंतु हमारी मोह माया मिटती नहीं है। पुत्रों ने हमें त्याग दिया अकेले छोड़ दिया लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे पुत्र सदा जीवित रहे खुश रहे ये रहे वो रहे। पुत्रों से मोह हमारा छूट नहीं रहा है ये क्या कारण है। ऋषिवर बोले महामाया जगद्धात्री शक्ति रूपा सनातनी स एव मोहमा
प्राप्त्येति नान्यथा नृपसत्तम। देखो जिसके तत्व को ब्रह्मादि देव भी नहीं जान पाते, वही जगत को उत्पन्न करने वाली, पालन करने वाली और संहार करने वाली महामाया है। राजा वैश्य पूछते हैं ये महामाया कौन है, तो सबको मोहित करती है, ये कब पैदा हुई? तो ऋषि कहने लगे कि मधु केतव जब भगवान मोह निद्रा में थे विष्णु, उस समय कानों के मेल से मधु केतव नाम के देखते हुए थे और वो ब्रह्मा को मारने को उद्यत थे। तब ब्रह्मा ने स्तुति करा की जगदम्बा की, रक्ष रक्ष महामाये शरणागत वत्सले एताम्यां घोर रूपाभ्यां देत्याभ्यां जगदम्बिके। हे मां, ये मधु केतव नाम के दो राक्षस मुझे मार डालना चाहते हैं, इनसे रक्षा करने वाला मुझे कोई नजर नहीं आता है। हे मां क्या करूं, आप ही इनसे मुझे बचा सकती हैं, स्वाहा स्वधा लज्जा आप ही हैं, कृपा करें। तब महामोहा शक्ति जागृत हुई, महाकाली के रूप में, और ब्रह्मा जी ने कहा नारायण को जगाइए, और तब उन्होंने मधु केतव का नाश कभी हो सकता है। त्वं स्वाहा त्वं सुधा त्वं ही त्वं बुद्धि विमला महा तुष्टि पुष्टि त्वं मे वाम्ब शांति शांति क्षुदा दया। हे मां आप ही स्वाहा स्वधा बुद्धि आदि आप ही हैं। और इस प्रकार ब्रह्मा की प्रार्थना होने पर मधु केतव के नाश में प्रवृत्त हुई और विष्णु जी को मोह निद्रा से जगाया गया। ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर देवी फाल्गुन मास की शुक्ला द्वादशी को उत्पन्न हुई और महाकाली के रूप में प्रसिद्ध हुई, जो त्रिलोकी की मोहक शक्ति है। और विष्णु के नेत्र और मुख से प्रकट हुई, भगवान उठे देते दिखाई दिए। मधु केतव ने युद्ध के लिए ललकारा, उनके ही कान से निकले और उन्हीं को ललकारने लगे। मधु केतव ने भगवान विष्णु के साथ में युद्ध किया, महामाया के प्रभाव से दानव मोहित हुए और विष्णु से वर मांगने को कहा। मधु केतव मोहित हो गए, भगवान विष्णु से कह रहे हैं कि वर मांगो विष्णु, हम खुश हैं, तुम्हारे पराक्रम से प्रसन्न हैं। तो विष्णु ने कहा प्रसन्न हो तो ऐसा वर दो कि मैं तुम्हारा वध कर दूं। मधु केतव ने कहा कि अच्छा चलो ठीक है, अब आपने वर मांगा ये है तो ऐसी जगह मारो जहां भूमि जल में न डूबी हो। अब तब तक तो भूमि निकली नहीं थी, वो तो पानी में शयन कर रहे थे। उस समय संपूर्ण ब्रह्मांड जलाप्लावित था, नारायण भी समुद्र में ही थे। तब नारायण ने देवतियों को जंघा पर रखा और चक्र से उनके मस्तक काट देते हैं। मेधातिथि ने राजा सूरत से कहा इस प्रकार मैंने तुमसे महाकाली की उत्पत्ति का वर्णन किया, अब महालक्ष्मी की उत्पत्ति का वर्णन सुनो। ऋषि कहने लगे आसीत् ब्रह्मासुरों नाम दैत्यवंश शिरोमणि तस्मात् जातो महातेजः महिषो नाम दानव। एक
महिषासुर नाम का एक राक्षस हुआ था। इस दैत्य ने देवों को जीत करके इंद्रासन पर अधिकार कर लिया था। पराजित देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। वहां शिव और विष्णु भी थे। वहां अपनी व्यथा सुनाई। सूर्य, चंद्र, वरुण, कुबेर, यम, इंद्र महिषासुर के बंदी हैं। सारे दिग्पाल, ग्रह, नक्षत्र सब महिषासुर के बंदी हैं। इन सबका कार्य स्वयं महिषासुर कर रहा है। ऐसा सुनकर के शिव विष्णु के नेत्र लाल हुए। इसी क्रोध से एक तेज निकला। उस तेज में सभी देवताओं ने अपना भी तेज मिला दिया। ये एक संकेत है कि हम अगर सम्मिलित शक्ति, संगठन की शक्ति को अगर उपयोग करते हैं तो वही महाशक्ति है, वही महालक्ष्मी है। तेज निकला, देवताओं के शरीर से भी तेज निकला और सबने एक तेज समूह को देखा और पद्मालया परमेश्वरी लक्ष्मी प्रकट हुई। सभी देवों ने अस्त्र शस्त्र प्रदान किए और देवी ने भयंकर अट्टहास किया। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। महिषासुर भैंसे से मनुष्य बन गया। भीषण युद्ध हुआ और देवी ने मधुपान किया और महिषासुर को मार दिया। धुंधुवी बजी और पुष्प वृष्टि हुई। बोलिए लक्ष्मी मैया की जय हो। ऋषि कहने लगे, आशी चुम्बासुरो देत्यो निशुम्भस्य प्रतापवान् त्रैलोक्यमोजसा कान्तं भ्रातृव्या सचराचरम्। हे संतों, तब शुंभ निशुंभ के भय से पीड़ित देवता शुंभ निशुंभ नाम के राक्षस हुए और देवता फिर हिमालय के समीप गए। पार्वती को नमस्कार किया। जय दुर्गे महेशानी जयात्मी जनप्रिय त्रैलोक्य त्राणकारिण्य शिवाय ते नमो नमः। हे जगदम्बे, हे महेशानी, हे अपने जनों को प्रिय करने वाली, कृपा करें। शुंभ निशुंभ से सारे देवता प्रताड़ित हैं। प्रसन्न होकर के देवताओं से माता बोली, क्यों स्तुति कर रहे हो? तब पार्वती जी के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई और उन देवताओं के सम्मुख शिव शक्ति से बोली। शुंभ निशुंभ से पीड़ित देवता मेरी स्तुति कर रहे हैं और उस देवी के कोश से निकली देवी कौशिकी नाम से विख्यात हुई और मदोग्र नाकारिका व मातंगी कहलाई। देवों को शीघ्र कार्य पूर्ण करने का आश्वासन दिया और अंतर्धान हो गई। और तब शुंभ निशुंभ के चंड मुंड नाम के सेवकों ने देवी को देखा, अपने स्वामी को कहा, ऐसी सौंदर्य मई स्त्री ना तो देखी न सुनी। अरे वो तो तुम्हारे योग्य है, तुम उसको लेकर के आओ। वह स्त्री रत्न आप के ही योग्य है। तब दैत्यराज ने सुग्रीव नाम के एक दैत्य दूत को भेजा। उसने हिमालय में जाकर के जगदम्बा से कहा, देवी शुभ शुंभासुरो देत्यो निशुंभस्तस्य चानुज विख्यात त्रिशूलोकेषु महाबल पराक्रम। हे देवी, शुंभ नाम का एक दैत्य है जो बड़ा पराक्रमी है, सारे देवता उसके अधीन है और उनका भाई भी है निशुंभ, दोनों पराक्रमी हैं। तुम्हें जो भी जचे उसी की से पाणी ग्रहण कर लो। विख्यात है, त्रिलोकपति है, इंद्रजीत है,
और निशुंभ निशुंभ का यह संदेश है कि हम दोनों में से किसी को भी चुन लो। देवी बोली, सच कह रहे हो तुम। सत्यम वदसि भो दूत नान्वितं किंच दुच्यते परंत्वेकाग्रता पूर्वं प्रतिज्ञातं निबोधमे। अरे मैं क्या करूं, अज्ञानवश मैंने ऐसी प्रतिज्ञा कर ली कि जो मुझसे युद्ध करेगा और जो मुझे जीत लेगा उसी वही मेरा पति होगा और कोई नहीं। इसलिए अगर वो विवाह करना चाहते हैं तो आओ और युद्ध करो। तो चंड मुंड ने कहा कि अरे किनको ललकार रही है तू, तेरा कहीं पता भी नहीं लगेगा। देवी ने कहा कि देखो मैंने प्रतिज्ञा ले ली तो ले ली। यो मे दर्पम विधिमते यो मां जयति संगरे उत्सहे तमहं कर्तु पतिं नान्यमिति ध्रुवं। सत्य कह रहे हो तुम, लेकिन क्या करूं, मेरे अहंकार ने मुझसे यह प्रतिज्ञा करवा ली कि जो मुझे जीतेगा वही मेरा पति होगा। दूत का वचन सुना कि देखो, दूत ने कहा कि देखो मान जाओ नहीं तो बालों से पकड़ करके घसीटते हुए लेके जाएंगे। देवी ने कहा कि मैंने कह दिया ना, जैसा कहा वैसा जाकर के सुमनि शुंभ को कह दो। दूत का वचन सुन करके क्रोधित हुए शुंभ। दूतों ने जाकर के वहां कह दिया कि ऐसा कहा उसने, जो हराएगा वही उसका पति होगा। अब या तो युद्ध करो। शुंभ बड़ा क्रोधित हुआ, धूम्रराक्ष को भेजा, जैसे आए वैसे ही ले आओ, अगर राजी राजी आती हो तो ठीक, नहीं तो बाल पकड़ करके घसीटते हुए ले आओ। और उसने जैसे ही हाथ लगाने की कोशिश की, देवी ने हुंकार की और भस्म हुआ और देवी का नाम हो गया धूमावती। बोलिए धूमावती मात की जय। और शुंभ ने क्रमशः चंड मुंड रक्त बीज देवियों को भेजा। उन्होंने जाकर के वही बात कही। देवी बोली, सिंहनी कभी गीदड़ का वरण नहीं कर सकती। कलह बड़ी तो देवी ने खेल खेल में सबको मार दिया। तब स्वयं शुंभ निशुंभ अनेक वीर सेना को लेकर के चढ़ आया और हिमालय में आकर के देवी को देख करके बोला, भवाद्रशीनां स्मरणीय विग्रहे दुनोति कीर्णं खलु मानतिललं कथं कराला हवमातनोष्यते महेशितैनैव मनोज्ञवर्मणा। शुंभ निशुंभ ने देवी का सौंदर्य देखा तो देखता ही रह गया। कहा कि अरे ऐसा सौंदर्य युद्ध के लायक नहीं है, तुम युद्ध को छोड़ो, भोग के योग्य हो, इसलिए मेरे पास आओ। तब चंडिका बोली, युद्ध कर और ताकत नहीं है तो यमलोक में चला जा, नागलोक में चला जा। तब भयंकर युद्ध हुआ, भीषण लोम हर्षक। शुंभ द्वारा छोड़े गए चक्रों को काट करके देवी ने त्रिशूल को उठाया, दैत्य को मार दिया। पार्वती के लोक पावन कर कमलों से मृत्यु पा करके वो दोनों दैत्य परम धाम पधारे। देवताओं ने स्वर्ग में प्रवेश किया। तब महामाया के प्रभाव से देवताओं की विजय हुई। अभिमानवश देवता अपनी अपनी प्रशंसा करने लगे। तब उनका अभिमान दूर करने के लिए भगवती दिव्य रूप से तेज देवी प्रकट हुई और चैत्र शुक्ला नवमी यानी चैत्रीय नवरात्र का नौवां दिन
उस दिन प्रकट हुई माता। चैत्र शुक्ल नवम्यां तो मध्यायस्ते प्रादुर्षमी दुर्गा देवी सच्चिदानंद रूपिणी। दसों दिशाओं को प्रकाशित करने वाली दिव्य तेज पुंज से शोभायमान बोली, मैं ही ब्रह्म हूँ, तुम मेरे सामने अभिमान करते हो। तो वो कहती है, देवी कहती है, न ब्रह्मान सुरारातिर न पुरारातिर। शिव पुराण कह रहा है, ये हमारी सांप्रदायिकता है, जैसी दो तीन बार चर्चा आ चुकी ना, सेव ग्रंथ है, लेकिन जगदम्बा की महिमा गाई जा रही है। न ब्रह्मान सुरारार्ती न पुरारातिरीश्वर मदग्रे गर्वितुं किंचित् काकथान्य सुपर्वणा। क्या ब्रह्मा, क्या विष्णु, क्या महेश, सब मैं ही हूँ, मुझसे अलग कोई नहीं है, और तुम मेरे सामने गर्व कर रहे हो, हमने महिषासुर को मारा, हमने उसको मारा, हमने उसको मारा। मैं ही परम ज्योति, परम ब्रह्म, साकार निराकार, ब्रह्म विष्णु महेश, सब मैं ही हूँ। ये कौन कह रहा है? जगदम्बा कह रही है, आदि शक्ति कह रही है, सेव ग्रंथ में शाक्त की प्रविष्ट हो रही है। देवताओं, जो हुआ, जो हो रहा है और जो होगा, वो सब मेरी इच्छा से हो रहा है, मेरी शक्ति से हो रहा है। तुम झूठे गर्व को त्यागो और सनातनी प्रकृति से मुझको भरो भजो, और सब देवता नम्र होकर के और परेशानी महेशानी की स्तुति करने लगे। मैया को गया मेरा मन तेरे पहाड़ों में, मैया हो गया मेरा मन तेरे पहाड़ों में, मैया हो गया मेरा मन तेरे पहाड़ों में, मेरा मन तेरे पहाड़ों में, मेरा मन तेरे पहाड़ों में। क्या नजारे तेरे पहाड़ों में, क्या नजारे हैं तेरे पहाड़ों में, मैया हो गया तेरे पहाड़ों में, मैया हो गया मेरे पहाड़ों में। क्या नजारे हैं तेरे पहाड़ों में, क्या नजारे हैं तेरे पहाड़ों में, मैया हो गया मेरा मन तेरे पहाड़ों में, मैया तेरे पहाड़ों में। बोलिए जगदम्बे माँ।
तू ही साकंदरी हे सदाक्षी तू ही साकंदरी तुम्हें चंडी महेश्वरी हे सदाक्षी तू ही साकंदरी दुर्ग भाती तुम्हें चंडी महेश्वरी हे सदाक्षी तू ही साकंदरी हे सदाक्षी तू ही साकंदरी दुर्ग भाती तुम्हें चंडी महेश्वरी दुर्ग भाती तुम्हें चंडी महेश्वरी तेरी ज्योति ज्योति रवि चंद्र तारों में तेरी ज्योति रवि चंद्र तारों में मैया मेरा मन तेरे पारों में मैया जय हो तेरे पहाड़ों में मैया मेरा मन तेरे पहाड़ों में मैया हो गया मेरा मन तेरे पहाड़ों में मैया पुत्र हैं आपके या बुरे पुत्र हैं आपके हम भले 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 या बुरे पुत्र हैं आपके हम सताए हुए जगत के ताप के हम सताए हुए जगत के ताप के हम भले या बुरे पुत्र हैं आपके हम भले या बुरे पुत्र हैं आपके हम सताए हुए जगत के ताप के हम सताए हुए जगत के ताप के सताए हुए जगत के ताप के हम सताए हुए जगत के ताप के तेरी आशा है तेरी आशा है किस्मत के मारों पे तेरी आशा है किस्मत के मारों में मेरा तेरे पहाड़ों में क्या नजारे हैं तेरे पहाड़ों में क्या नजारे हैं तेरे पहाड़ों में भैया हो गया मेरा मन तेरे पहाड़ों में भैया हो गया I'm in the
पर जगदीशानी प्रतिता परमेश्वरी गर्वो मातया तथा प्रकृति देवा गर्व समाता दुर्गा हुआ। बोलिए दुर्गे भवानी की।